पिछले क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बताया था, ठीक है। तो जो शेष क्वेश्चन रह गए थे वो आज मैं करवाऊंगा। आप लोग को स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। कोई आदमी बता सकते हैं, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना सबको? चलिए ठीक है। हाँ, तो अब जो है ये क्वेश्चन तक शायद हो गया था। 4, 5, 6, 12, 15, 18, 36 विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमने बताया था कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और जिसका पेयर नहीं लग रहा है एलसीएम में उसको पेयर लगा करके उसका रिजल्ट। हाँ, सब म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए सब लोग। 24 तक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, तो म्यूट कर लीजिए सब लोग। हाँ, तो जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन में हमने बताया था कि आप एलसीएम निकाल करके, जैसे ये क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में दो शेष रहे, तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका और उसमें दो जोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। आप लोग कर लिए होंगे या कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन उसी टाइप का है, 7 शेष रहने वाला है, तो उसमें क्या करना है कि बस 7 जोड़ देना है। एलसीएम निकाल करके क्या करना है, उसमें 7 जोड़ देना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बना लीजिएगा आप लोग सब। उसके बाद थोड़ा छोटा ही, क्वेश्चन नंबर 25 तक जो है आपका कवर हो गया, और नेक्स्ट टाइप का आएगा नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, वही सेम पैटर्न है, जो एलसीएम निकाल कर क्या करना है, उसमें 7 जोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी यदि 11 घटा दे तो शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो यही काम उसमें भी करना है, एलसीएम निकाल करके 11 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, तो आप लोग बना लीजिएगा इसको 26 नंबर, ठीक है। एलसीएम निकाल करके उसमें 11 जोड़ देना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालिए। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा बताइए आप लोग। चार पाँच, हाँ छः, 60 ही होगा, क्योंकि इससे कम वाली संख्या में अगर आप लेते हैं तो आपका भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो 60 ही होगा, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। तो इसको बनाने का देखिए दो विधि है, या तो सिंपल 60 हो गया तो 60 के गुणक वाले को देख लीजिए बीच में कौन कौन सा है, 200 से 600 के बीच में। तो 60 के गुणक में 200 से 600 के बीच में आप देखिएगा तो एक संख्या हो जाएगा आपका 6, 4, 24 यानी 240 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सब लोग आराम से आते हैं 8, 15, 20 में नहीं। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 60 के गुणक में देखिए तो 300, फिर 360, फिर क्या आ जाएगा 420, फिर क्या, फिर 480, फिर 540, फिर 600 आएगा नहीं। तो चूंकि 600 के बीच में बोल रहा है तो 600 को तो लेना है नहीं, इसको तो लेना है नहीं, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ, 6 ही हुआ ना, 600 के बीच में बोल रहा है, ठीक है। 600 को नहीं लेना है, 200 के बाद और 600 के पहले वाले को लेना है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई इसी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आंसर क्या हो गया 6। एक तो ये विधि है, सिंपल विधि से बना सकते हैं इस तरीका से, क्या करना है कि जो भी बोल रहा है 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः भाज्य है, ठीक है। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो जो 60 हुआ इसी का गुणक क्या होगा, 4, 5, 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर इसी के गुणक में 200 और 600 के बीच में देख लेते हैं कितनी संख्या है, तो 240, 300, 360, 420, 480, 540, ठीक है। कुछ लोग माइक ऑन कर रखे हैं, सब लोग म्यूट कर लीजिए, आप ही लोग को डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। हम तो बोल ही रहे म्यूट करने के लिए सबको। हाँ, एक गैलेक्सी वाला मोबाइल ऑन है, उसका म्यूट नहीं हुआ है, गैलेक्सी J7 Core जिसका है वो म्यूट कर लीजिए कृपा करके। हाँ, हो गया आपका। अब जिसका जिसका म्यूट नहीं है मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक रियलमी का है, कनेक्ट ही हो रहा है अभी उसका, चलिए।
रियलमी का जिनका है मोबाइल वो ध्यान दीजिए, उनका म्यूट नहीं है, म्यूट कर लीजिएगा अपना, ठीक है, बाकी सब लोग का म्यूट ही है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे सब यहाँ पे आता है कि कौन म्यूट है कौन नहीं। हाँ, तो दूसरा विधि इसका ट्रिक है, ठीक है। एक ट्रिक क्या है कि जो मैक्सिमम संख्या है 200 और 600, देखिए ये इसलिए है कि सिंपल तो कम संख्या है तो आप निकाल के भी आप गुना करके गुणक खोज लिए, लेकिन जब बड़ा है जैसे पूछ देगा 200 और 2800 के बीच में, तो कितना लिखते रहिएगा, टाइम लग जाएगा, उतना टाइम रहता नहीं है कंपटीशन में। तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम संख्या है उसमें से एक घटा लेंगे, ठीक है, n-1, यानी जो मैक्सिमम संख्या है एक घटा करके उसमें 60 से भाग दे लीजिए, फिर जो शुरुआत की संख्या है उसमें से 60 से भाग दे दीजिए, और जो पूर्ण संख्या को घटा करके आंसर आएगा वही होगा। अब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 599, ठीक है, बटे 60, और ये हो जाएगा 200/60। तो इसको अगर काटिएगा तो यहाँ पे कटेगा आपका 6×9=54, 6×10=60 हो जाता, तो 9 point something आएगा, जो भी आएगा। तो पूर्ण संख्या को लेंगे, दशमलव के बाद वाले को छोड़ देंगे, फिर माइनस यहाँ पे करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, 6×6=24, 240 हो जाता है, 3×36=18, 180, तो 3 point something आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 में से 3 घटा दीजिएगा तो 6, तो टोटल संख्या क्या होगी 6, और वहाँ पे भी आंसर आया था आपका 6। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं ट्रिक से, यानी जो मैक्सिमम संख्या है उसमें से एक घटा करके जो एलसीएम आया उससे भाग देना है, फिर जो शुरुआत की संख्या है उसमें से भी एलसीएम वाला भाग दे करके, बस ध्यान ये देना है कि पूर्ण संख्या को ही घटाइएगा, दशमलव में आएगा जैसे ये तो दशमलव के पार्ट को छोड़ दीजिएगा, दशमलव के बाद वाले को मेन संख्या में से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है इसका, ठीक है। तो इस ट्रिक का ही प्रयोग करके आप जो है ज़्यादा बड़ी संख्या के बीच की संख्या निकाल सकते हैं आसानी से, नहीं तो दूसरा सिंपल विधि से वही है, गुणक जैसे 60 एलसीएम आया तो उसका गुणक देखिए उस दोनों के बीच में कितना कौन कौन सा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह छोटी से छोटी संख्या 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 60, 98 और 130 शेष, 130 है लास्ट में, 130 शेष बच रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, घटाइए, ठीक है। तो किस केस में 48 में से 38 जाएगा तो क्या होगा, 10 बचेगा। उसी प्रकार से 60 में से 50 घटाइए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। उसी प्रकार से 72 में से 62 घटाइए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। 108 में से 98 घटाइए तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। उसी प्रकार से 140 में से 130 घटाइए तो 10। तो कॉमन सम में क्या आ गया, आपका 10 आ गया। तो आप क्या कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए टोटल का आप एलसीएम जो क्वेश्चन का पार्ट है उसका एलसीएम निकाल करके उसमें से टोटल में आप 10 घटा दीजिए, ठीक है। तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जिसे 48, 60, 72, 108 और 140 में भाग देने पे क्रमशः इतना 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 और शेष बच रहे हैं, ठीक है। तो यही काम करना है आपको। अब क्या करना है, 48, 60, 72, 108 और 140 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम जो भी होगा निकाल करके उसमें से 10 घटा दीजिएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सब में 10 आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। तो 10 घटा दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग बना करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, 48, 60, 72, 108, 140 का देखिए कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 15,120 आया। और जो लोग बनाए बहुत लोग, हाँ 120 हुआ, 10 घटा दीजिए, हाँ 15,110 आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा, जो लोग मेहनत किए उनको धन्यवाद, बाकी लोग मज़े ले रहे हैं क्लास का तो लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, सेम है, सेम क्वेश्चन है, बनाइए तो ज़रा बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, 29 नंबर, कॉपी कलम निकालिए बनाइए, सब क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, सब बताएंगे तो फिर आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा, बनाइए तेजी से।
क्वेश्चन नंबर 29 वही काम करना है। सब में देखिए कॉमन एक ही होगा, और फिर क्या करना है, एलसीएम निकाल करके जो कॉमन आ रहा है डिफरेंस उसको घटा देना। एक हज़ार 673 आया टोटल, नहीं यानी टोटल आपको आया होगा 1680 एलसीएम। यस, हाँ बिल्कुल सही आया आपका। ठीक है, अगर आप देखिए इसका कॉमन डिफरेंस 12 में से 5 घटाइए तो 7 आएगा, ठीक है, 16 में से 9 घटाइए तो 7 आएगा। तो यानी कहने का अर्थ है कॉमन डिफरेंस सब में क्या है, 7 का है। ठीक है, तो आप इस संख्या का एलसीएम निकाल करके क्या कीजिए, उसमें से 7 घटा दीजिए। तो एलसीएम निकाले होंगे तो 1680 आया होगा, उसमें से 7 घटा दिए तो 1673 आ गया। ठीक है, तो जब भी छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन का दिखे तो एलसीएम निकालिएगा, और जब बड़ी से बड़ी संख्या दिखे क्वेश्चन के पार्ट में तो उसका एचसीएफ निकाल देना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 150, तो बड़ी बड़ी मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही हुआ बड़ी संख्या, जो दिए गई संख्या को भाग कर सकती है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 30, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 150, 1001 और 2436 को भाग करती होगी, होगी क्या होगी इसमें, तो आप एचसीएफ निकालिए इसका, एचसीएफ निकाल करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। क्वेश्चन ठीक है, 105, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में 105 होगा, ठीक है, मिस्टेक है ये, 150 लिख दिया, 105, 1001 और 2436, ठीक है क्वेश्चन, अब ठीक हुआ, 105, 1001 और 2436 निकालिए। तो इसका एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एक छोटी संख्या मुझसे बड़ी संख्या में भाग देते हैं, कितने बार में होगा, 9 बार में, 945, फिर घटा दीजिए 6, 5, कट गया, हाँ 56 दूना, हाँ 56 दूना तो ज़्यादा हो जाएगा, 56 एकम, नहीं फिर 56 घटाए होंगे, 7 आ गया ना एचसीएफ, 7 से हो जाएगा आपका 49, 49 को फिर आप क्या करेंगे, 56 49 एकम 49, फिर 7, फिर 49 किए होंगे, 77 49, 7 आ गया होगा, 7 को फिर किए होंगे तो उसमें भाग लग गया होगा, नहीं, चलिए तो इसका एचसीएफ 7 आ गया। ठीक है, तो हाईएस्ट जब भी पूछे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी जो दिए गई संख्या से भाग लग जाएगी, तो वही होता है एचसीएफ। ठीक है, तो 7, 7 आ गया सबका, ओके, एचसीएफ निकालना सब लोग सीख गए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 243 में भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचता हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए वही है, शेष के क्रम में क्या करते थे हम, घटा देते थे, 122 में से क्या कीजिए, 2 घटा दीजिए, 120 और 243 में क्रमशः बोल रहा है तो 3 घटा दीजिए, 243 में 3 घटा दीजिए, कितना बच गया, 240। अब इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, बड़ी से बड़ी पूछ रहा था तो एचसीएफ निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 120, हाँ तो 120 ही होगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 120। ठीक है, तो वही आंसर हो गया। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग बनाइए, वही करना है, पहले में 43 घटाइए, इसमें आप 31 घटा दीजिए, इसमें 7 घटा के एचसीएफ निकाल दीजिए, बना के देखिए। बना लीजिएगा ये, आप लोग घर पे बनाए नहीं थे क्या, पिछले क्लास वाला सब जो किए थे उनको तो ये सब बताए हुए थे। चलिए वही कीजिएगा, जैसे 1050 में से जो है आप 43 घटा दीजिएगा, 1250 में से 31 घटा दीजिएगा, 1650 में से 7 घटा दीजिएगा, ठीक है, और संख्या जो है उसका मौसम निकाल दीजिएगा जो आएगा उसका, ठीक है, आपका बन जाएगा। चलिए आंसर तो नहीं देख के बता दिए किताब से। चलिए ठीक।
चलिए बहुत अच्छी बात, सब लोग निकाल लीजिए, ठीक है। इतना जल्दी सर कैसे बना ले? अब वही लोग जानेगी कुछ, कंप्यूटर है सर। हाँ तुम लोग भी कंप्यूटर बन जाओ, नहीं तो कंपटीशन सब महिलाएं लोग ही निकाल लेंगे सर। या घर पे बना के रखी होगी। चलिए अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। इसमें सब में डिफरेंस निकाल लेना है, जैसे ए माइनस बी, बी माइनस ए, बड़ा में छोटा करके डिफरेंस निकालिए। जैसे इसमें क्या है कि पूछ रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए कि एन सब बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 1305, 4665 और 6905 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो एन के अंकों की संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से जो बड़ा संख्या उसमें छोटा संख्या सबका निकाले, जैसे 4665 है, ठीक है, 4665 में से 1305 घटा लीजिए पहले, फिर क्या कीजिए 6905 में से 4665 घटा लीजिए, ठीक है, ए बी बी सी और फिर सी ए, 6905 में से फिर 1305 घटा लीजिए, जो भी वैल्यू आता है उसका आप क्या कीजिए एस सी एफ निकाल दीजिए। और चूंकि यहाँ एन के अंकों का योग पूछ रहा है तो जो एस सी एफ आएगा उसका योग कर देना है आपको, ठीक है। तो घटाइए 4665 में से, क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ठीक है 1305, ठीक है 6905, हाँ कीजिए। तो आप लोग कितना कितना आया, 1240 और 56। ऊपर वाले कितना आया, 3360। 3360 इसका 1240 इसका 56, ठीक है। अब 1240 को 3360 से 900 निकालिए, निकालिए। साठ आ गया है सर, 2240 होगा सर ये, या सर 6905 माइनस 2240 2240। अच्छा यहाँ पे आप ही लोग बताए थे तो हम क्या बताए, कंप्यूटर जो है वही बताए। अच्छा सही करके बना लीजिए, ठीक है, जो इसका एस सी एफ आएगा तो उसी का योग निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न का टाइप का क्वेश्चन सेम यहाँ पे है, ठीक है, रुकिए इसको थोड़ा निकाल दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 43, 91, 183 भाग देने पे प्रत्येक बार वही शेष रहे, तो वही काम करना है, बड़ा में छोटा 91 में से 43 घटा लीजिए, आप लोग बनाइए तो ये तो थोड़ा आसान वाला डिजिट है तो आसानी से बन जाएगा। फिर 183 में से 91 घटा दीजिए और फिर 183 में से 43 घटा दीजिए और उसका जो है आप एस सी एफ निकाल दीजिए, वही आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ गलत दे दिया है, ठीक है, यही ऑप्शन रिपीट कर उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये ऑप्शन में होना चाहिए था आपका 4, 7, 9, 13, 4, 7, 9, 13, इसमें से बताइएगा आंसर क्या हो, ऑप्शन टाइप मिस्टेक। चलिए 11 में से यहाँ 11 में से 3 गया तो कितना होगा 8, ठीक है, यहाँ बच गया आपका 8 में से 4 गया 48, ठीक है, 92, हाँ 140, अब इसका एचसीएफ निकालिए सर, 4 आया, 4 आया तो ठीक है, ये नंबर सही है, ऑप्शन वहाँ गलत था, वो सब सुधार दिए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अब बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है ना कई बार एसएससी में पूछा है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा है एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एसएससी लेवल के एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा तो समझ जाइएगा अच्छे से। एक जो है व्यक्ति के पास 3 प्रकार के तेल, या व्यापारी होगा जो भी हो, 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है, ठीक है, यदि वह इनकी समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग, इनको जो है समान धारिता वाले अलग अलग टीनों में भरना चाहता है, तो समान धारिता तभी होगा जब उसका मौसम निकालिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, तभी 403 में भी भाग लग जाएगा, 434 में भी लग जाएगा और 465 में भी लग जाएगा, अगर समान धारिता निकल जाएगा तो आप टीन की संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 403, 434 और 465 का एचसीएफ निकालिए, 403, 434 और 465 का क्या कीजिए कि एचसीएफ निकालिए, निकालिए, तो 403 को 434 में करेंगे तो एक बार में 403 कितने बार में कट जाएगा, ये 31 आया, ये कट जाएगा ना एक बार में, 30 कितने बार में कट, 13 बार में, 403, चलिए काट, यही 31 को फिर कीजिए तो 465 में, 15 बार में कट रहा है, नहीं 31 आंसर है, हाँ तो 31 मौसो आ गया, यानी मतलब मैक्सिमम एक टीन में आप 31 लीटर अगर रखिएगा, ठीक है, तेल तो सब में भाग लग जाएगा, ठीक है, 403 में भी लग जाएगा, 434 में भी लग जाएगा, 465 में भी लग जाएगा, यानी एक टीन में 31 लीटर आप मैक्सिमम रख सकते हैं, तब वो दी गई सब जितना भी लीटर उसमें भाग लग जाएगा, तो टोटल बोला टीनों की संख्या कितनी होगी, कितना टीन में भरेगा, तो टोटल तेल कितना हो गया आपका 403 लीटर प्लस 434 लीटर प्लस कितना हो गया 465 लीटर, और एक टीन में 31 लीटर रखिएगा तो टोटल टीनों की संख्या आ जाएगी 31 से भाग देने के बाद, तो सबको जोड़ करके 31 से भाग दीजिए, 403, 434, 465 को जोड़िए, कितना हुआ, कितना हुआ 1302, हाँ, अब क्या कीजिए कि 1302 में 31 से भाग दीजिए, टीन की संख्या आ जाएगी ना, चूँकि एक टीन में आप 31 लीटर रखे हैं, तो 1302 लीटर को कितना टीन में रखिएगा आप, 31 से भाग दे दीजिए, कितने बार में कटेगा, हाँ तो 42 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 42। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत भी है, इस चीज़ को समझे, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल है जो कि 403 लीटर का है, 434 और 465 लीटर, यदि वह इनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है, ठीक है, लेकिन समान धारिता होना चाहिए, तो एचसीएफ ही निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ आपका 31 आ गया, यानी मैक्सिमम वो एक टीन में 31 लीटर रखेगा, तब जाके कंप्लीट तेल जो है उसका डब्बा में आ जाएगा, टीन में आ जाएगा, तो तीनों को जोड़ के उसके बाद 31 से भाग दे देंगे बस।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, ये बार बार पूछते रहता है, कुछ नहीं आसान है लेकिन पूछते बार बार रहता है। चार घंटे क्रमशः 12, 18, 24, 30 सेकेंड के अंतर पर बजते हैं, एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगे? तो कुछ नहीं करना होता है इसमें, आप एलसीएम निकाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। 12, 18, 24, 30 का एलसीएम निकालिए, निकालिए, 120 आएगा। देखिए तो 30 चौक 120, सब में भाग लगे 24 बचे, देखिए तो 120 आ रहा है, नहीं 18 से उसमें भाग नहीं लगेगा, नहीं देखिए तो कितना आ रहा है इसका एलसीएम, 360, हाँ 360 आ रहा है, निकाल लिए, 360 आ गया। तो 360 में 360 क्या आया, ये सेकेंड आया, 360 सेकेंड इक्वल टू कितना मिनट, 6 मिनट, तो 6 मिनट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, कॉल आ रहा है सबको, सब बिजी पर्सन है रे, एक हम ही फ्री में बैठे हुए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनाओ तुम लोग, खुद बनाओ। 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है तो कितने सेकेंड बाद पुनः एक साथ बजेगी, वही करना है, एलसीएम निकालिए, बस वही आंसर आ जाएगा। निकालिए तो 6, 7, 8, 9, 12 का शायद 72 आएगा, नहीं 72 नहीं आएगा, कीजिए। थर्ड में 504 थर्ड में, ओके ठीक, चलिए इसमें इतना क्वेश्चन आपका टाइप किया हुआ, एक क्वेश्चन और हम आपको अभी दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाइए आप लोग से। क्वेश्चन लिखिए, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, ठीक है, और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है, आप लोग हंसते हैं खामखा स्क्रीन पे, देखिए चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। तो तरीका हम बता देते हैं, ठीक है, जैसे सबको एक फॉर्म में बदल लीजिएगा, जैसे 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना, चूँकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 1517 सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 902 क्या हो गया सेंटीमीटर। अब वर्गाकार है तो दोनों तरफ से बराबर टाइल्स में होगा, जितना लंबाई होगा उतना ही चौड़ाई होगा, वो तभी हो सकता है जब आप इसका मौसम निकालिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में भाग लगना चाहिए तभी आपका वर्गाकार साइज में टाइल्स मतलब
तोड़ के भी नहीं लगाना है, पूरा कंप्लीट टाइल्स लगाना है, ठीक है, वर्गाकार। तो यहाँ पे 900 निकाल लीजिए, 902 और 1517 का निकालिए कितना आता है बताइए। निकालिए आप लोग भी, चलिए यानी 41 दोनों का मौसम आ गया, यानी 41 सेंटीमीटर लंबा और 41 सेंटीमीटर जब चौड़ा रहेगा तो कंप्लीट वर्गाकार साइज में वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी आयताकार फर्श है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयताकार फर्श है, आयताकार फर्श का टोटल लंबाई क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कितना था 1517 गुने 902, लंबाई इतना था चौड़ाई इतना था, और टोटल उसमें बोलता है कि टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या। तो एक टाइल्स का जो है क्षेत्रफल कितना हो गया, 41 गुने 41, चूँकि मैक्सिमम आप 41 सेंटीमीटर लंबा और चौड़ाई 41 सेंटीमीटर ले सकते हैं टाइल्स में, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल 41 गुने 41 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वही भुजा स्क्वायर समझ लीजिए या लंबाई गुने चौड़ाई समझ लीजिए। तो टोटल संख्या हो गया, टोटल क्षेत्रफल में से आप क्या कीजिएगा कि 41 गुने 41 को भाग दे दीजिएगा, निकाल लीजिए, कटेगा ये सब, काट के निकालिए कितना आंसर आता है बताइए। ₹814 जो है देखिए आ रहा है काट करके, तो टोटल 400 की संख्या कितनी हो गई, 814। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत भी है, लगभग आपका एलसीएम एचसीएफ का हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हो चुका है, ठीक है। अब आप लोग बैठ करके बना लीजिएगा सारा, नया चैप्टर जो होगा आपका स्टार्ट करेंगे वो घातांक करनी, शायद आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं घातांक करनी क्लास में, अच्छा घातांक करनी नहीं पढ़ाए हैं, तो आज उसका जो है फार्मूला आप लोग लिखवा देते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखिए, 2-4-5 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। बाकी एलसीएम एचसीएफ में जितना टाइप का हमने करवाया है इसी को बार बार देखते रहिएगा, इसी में आपका क्वेश्चन कोई ना कोई रहेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो इसी में से बार बार पूछे गए, ठीक है। अब है घातांक करनी, ठीक है, तो घातांक करनी स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, तो इस वीडियो को इतना